तो हेलो रुकमा चैनल, आज चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। भाई लोग रात को बहुत यानी कि 7:30 बजे ट्रेलर आया गदर 2 का। मैंने जैसे ही ट्रेलर देखा मैंने रिएक्शन किया एंड अपलोड कर दिया मेरे यूट्यूब चैनल पर रिएक्शन, एंड जिस स्टूडियो ने सीधा ब्लॉक कर दिया, ना कॉपीराइट क्लेम डाला ना कुछ, सीधा ब्लॉक कर दिया वीडियो वर्ल्ड वाइड मेरा। अब जिस स्टूडियो को मेरा वीडियो ब्लॉक करके मिलेगा क्या, लाइक मेरे व्यूज आते 50-60, उनको मिलेगा क्या मेरे वीडियो ब्लॉक करके? आई डोंट गेट इट। मैंने जो हो सका वो मैंने किया है। आई होप वीडियो वापस आ जाए, देखते क्या होता है। बाकी अगर गदर 2 के ट्रेलर के बारे में बात करूँ मैं, तो मुझे ट्रेलर कैसा लगा उससे पहले मैं बता दूँ कुछ सीन्स जो मुझे बहुत चुंबेश्वर लगे। पहला सीन तारा सिंह की एंट्री, जो हथौड़ा थॉर का हथौड़ा लेके आता है, गाड़ी को फोड़ता है एंड वहाँ से पाकिस्तानी ऑफिसर्स को जैसे मारने लगता है हथौड़े से। वाह, लाइक एक बंदे का सीधा मुंह ही तोड़ दिया, इतना 18+ सीन गया फुल ऑन। एक सीन बोलूंगा जिसके अंदर तारा सिंह का बेटा जब पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में पकड़ा जाता है तब उसकी दाढ़ी नहीं होती, और जब तारा सिंह आता है तब उसकी दाढ़ी होती है। यानी कि बहुत टाइम बीत चुका है पाकिस्तान में पकड़ा जाकर, और तारा सिंह बहुत टाइम बाद आता है उसे ले जाने के लिए, तो ये बात है। इसके अलावा सकीना, शायद इस फिल्म के अंदर उसका रोल कम हो, क्योंकि तारा सिंह जैसे ही इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो वहीं से सकीना का रोल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी ऑफिसर है, शायद उसकी कोई पर्सनल खुन्नस है तारा सिंह के अगेंस्ट। ऑब्वियसली पाकिस्तान में आके उसने जो धमाका किया था तारा सिंह ने, तो उसकी वजह से शायद वो पर्सनल खुन्नस। इसके अलावा ट्रेलर के एंड में जो वो हैंडपम्प दिखाया था, लाइक मैं सीधा शॉक हो गया कि ओ खड़ेगा फिर से एक बार इस फिल्म के अंदर हैंडपम्प, वो वाला सीन हो। तारा सिंह मतलब कुछ ऐसा है नहीं, तारा सिंह इंडिया में काफ़ी फेमस हो चुका है सुपरमैन की तरह। मुझे ना इससे डायलॉग्स काफ़ी क्रिंजी लगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक्शन तो मालूम ही था इस तरह का होने वाला है, लेकिन डायलॉग्स बहुत क्रिंजी थे, लाइक तेरे इतने टुकड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान ढूंढ नहीं पाएगा, मतलब ये काफ़ी क्रिंजी डायलॉग्स थे। आई होप फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाए, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी ट्रेलर के अंदर दिखा दिए बंदों ने। मैं बस ऑडियंस इसकी मासी चीज़ के लिए शायद देखने जाएंगे, ओल्ड वाइफ के लिए। मुझे काफ़ी ठीक लगा ट्रेलर ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर कुछ होगा तो मैं आगे फिर से बात करूँगा। आई होप मेरा ट्रेलर वीडियो वापस आ जाए रिएक्शन वाला। बाकी मिलता अगली वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।